दोस्तों, अगर आपके पास कोई पीसी या फिर लैपटॉप नहीं है बट तब भी आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी एक यूट्यूबर हैं बट आपके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है, बट आपके सामने जो प्रॉब्लम बार बार यह आती है कि आपको कोई ऐसी एप्लीकेशंस नहीं पता है जो कि एंड्रॉयड में आपकी वीडियो को एडिट कर पाएंगी, बट अगर आपको पता भी लग जाती है उसके बाद आपको उन एडिटिंग एप्स का इंटरफेस पसंद नहीं आता है, फिर समझ नहीं आता कि उनके अंदर कैसी एडिटिंग करी जाए, उनके फीचर्स समझ में नहीं आते, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने एक एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं बड़े आराम से। पहले बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली एप्लीकेशन की तरफ, जो कि है फिल्मोरा गो, और ये आप अपने कंप्यूटर में भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका एक ऐप भी आता है। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे क्रिएट न्यू वीडियो, कैमरा में से हम चूज़ करेंगे अपनी वीडियो जो कि मैंने कोई शूट कर रखी है अभी। तो यहाँ से आप इसकी ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कि आपको कितने मिनट की वीडियो चाहिए इसमें से, तो मेरे को इतने की चाहिए। और अब नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ से आप ट्रिम कर सकते हैं और यहाँ पे आप एक और कोई वीडियो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कोई और वीडियो, और यहाँ से आप इसकी छोटी ऐसी क्लिप्स कर करके ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप वहाँ पे देख रहे हैं ऐड होती आ रही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग कर रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे आया था हमारा मेन मेन्यू, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो वीडियोस हैं नीचे, और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि थीम्स, तो यहाँ पे आप कुछ थीम्स अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ, तो टैप रेशियो क्रॉप टू एक्सचेंज फॉर्मेट, ओके। तो यहाँ पे आपको पहले कुछ टिप्स भी बताए गए जैसे कि अभी बता रहा है, तो हम थीम्स की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे आप कुछ थीम्स इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं तो एक थीम बन के आ रही है 80s थीम। तो यहाँ पे आपको कुछ पहले से ही कुछ ऐसी थीम मिल जाती हैं जो कि आप अपने वीडियो के अंदर लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो का लुक अब काफ़ी अच्छा आ रहा है, चैपलिन लुक भी आता है इसमें। ये बात रही थीम्स की, अब आप यहाँ पे कोई म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर, चाहे वो इस सॉफ्टवेयर से हो या फिर आपकी लाइब्रेरी से, तो फिर ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। और अब आगे बढ़ते हैं और फीचर से, तो ये है रेशियो और क्रॉप, तो आप इसको क्रॉप या फिर एक रेशियो भी दे सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे 16:9 की वीडियो कर सकते हैं जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, या फिर आप इसकी साइड्स कट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको ब्लर भी कर सकते हैं बैकग्राउंड को, या फिर ब्लैक या फिर ब्लर। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ जो कि है एडिट टूल्स, तो यहाँ पे आपको जितने भी टूल्स दिख रहे हैं जैसे कि ये वॉइस ओवर, ऑडियो मिक्सर, फिल्टर्स, एलिमेंट्स वगैरह, तो आप यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। तो अब मैं इसमें से आपको बताता हूँ फिल्टर्स, तो दोस्तों ये आपकी वीडियो के अंदर कुछ अलग सा फिल्टर ऐड कर देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ अलग से कलर ऐड हो जाएंगे इसमें जो कि अभी हो रहे हैं आपके सामने। आप यहाँ पे अपना टाइटल या फिर टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, जैसे कि अगर आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ डालना है तो आप यहाँ पे पहले अपना टेक्स्ट लिख लीजिए, और उसके बाद यहाँ से आप अपना फॉन्ट भी बदल सकते हैं, और बीच में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा रहा है हेलो, और यहाँ पे आप टेक्स्ट के देख सकते हैं कितने सारे टाइप के आपको यहाँ पे फॉन्ट्स मिल जाते हैं, ये देखिए हेलो। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टाइप के फॉन्ट्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप वीडियो की स्पीड चेंज कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो को स्लो करना है तो वीडियो स्लो चलेगी, फास्ट करना है तो फास्ट फॉरवर्ड भी चलेगी, और अगर आपको एक्स्ट्रा फास्ट करना है तो एक्स्ट्रा फास्ट भी चल सकती है। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं वीडियो का ब्राइटनेस और उसका कंट्रास्ट सेचुरेशन, अगर आपको करना हो तो प्लीज़ कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आपको अपनी वीडियो डिलीट करनी है, जो कि मैं चाहता हूँ कि कोई नहीं करना चाहता होगा अपनी वीडियो डिलीट, बट अगर आपको तब भी करनी है तो आप यहाँ से वीडियो को डिलीट कर सकते हैं। अब ओके पे क्लिक करते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं, और अब सबसे पहले हम इसको करना चाहते हैं प्रीव्यू, तो हमने कुछ ये वीडियो बनाई है हेलो, उसके बाद हमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, और आखिरी में अपना ये वाटर मार्क भी छोड़ता है जैसे कि भी आपने देखा था फिल्मोरा गो। तो इसमें सिर्फ यही एक बेकार बात है इस एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, बल्कि बाकी सारी चीज़ें जैसे कि इसके फीचर्स तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं, और मैंने एक वीडियो, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाती हैं कुछ ऐसी थीम्स जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप यहाँ पे और भी सिलेक्ट कर सकते हैं मगर आपको उनके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले आपको यही वाले करके दिखाता हूँ ऑन स्टेज, और यहाँ पे आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ओपनिंग टेक्स्ट, मिडल टेक्स्ट, तो यहाँ पर करता हूँ हाय, मिडल टेक्स्ट कर लेते हैं हम, ओके मैं ऐसे को टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इसकी तरह ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिए हैं, और अब नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे आप बैकग्राउंड कोई म्यूज़िक भी रख सकते हैं बट मैं नहीं रखना चाहता हूँ। मैं इस वाले एडिटिंग सॉफ्टवेयर को इसी वजह से पसंद करता हूँ क्योंकि इस वाले एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आपको काफ़ी अच्छा इंटरफेस देखने को मिलता है, जैसे कि आपको बिल्कुल
एक सॉफ्टवेयर में मिलेगा अगर आप अपने पीसी के अंदर ऐड करेंगे तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसे करके आ रहा है इसका ये वीडियो जो हमने स्टार्टिंग में उसकी थीम सेट करी थी। और यहाँ पे अगर आप फीचर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको फीचर्स मिलेंगे लेयर में, यहाँ पे आप एक और वीडियो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे इमेज ऐड कर सकते हैं, स्टिकर ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, हैंड राइटिंग ऐड कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे बात करें तो मीडिया के अंदर से अगर आपको कुछ और भी लाना है तो आप वो ला सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अपना कोई भी एक कोई भी सॉन्ग यहाँ से ला सकते हैं वॉइस से, ऑडियो से, और वॉइस से आप यहाँ पे अपनी वॉइस को यहाँ पे सीधा सीधा कैप्चर भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों जब आपको एडिटिंग पूरी हो जाए किसी वीडियो की इसके अंदर तो आपको सिंपली क्लिक करना है इस बटन पर, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट दिख जाएगा। यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पे जाइए, इन शेयर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सेव टू गैलरी पे कर दीजिए। बट यहाँ पे दोस्तों आपको अगर आपको अपने यहाँ पे वाटरमार्क हटाना है जो कि ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा यहाँ इस वीडियो के अंदर लिखा हुआ मेड बाय काइन मास्टर, अगर आपको हटाना है तो आप इनमें से कोई भी प्लान खरीद सकते हैं। मगर अगर आपके पास अगर आपको नहीं हटाना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए सीधा नो थैंक्स, और उसके बाद ये रेंडरिंग हो रही है। तो इसका भी मेरे को काफ़ी अच्छा इंटरफेस लगता है, इस वाले एडिटिंग सॉफ्टवेयर में को मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करूँगा। बट जो बात यहाँ पे ये खुल के आती है कि यहाँ से भी आपको वाटरमार्क देखने को मिलेगा अपनी वीडियोस के अंदर। तो यहाँ पे आपको आपको कुछ सेटिंग्स दी जाती हैं कि आपको कौन सी सेटिंग में अपने वीडियो को रेंडर करना है, जैसे कि फुल HD और हाई डेफिनेशन या फिर लो क्वालिटी। तो अभी मैं आपको लो क्वालिटी में करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे बहुत जल्दी एक्सपोर्ट हो रहा है क्योंकि लो क्वालिटी में हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस वजह से। तो एक बार ज़रा प्ले करके देख लेते हैं वीडियो को, हमने कैसी वीडियो एडिट करी है इस एडिटिंग सॉफ्टवेयर से। तो इससे एडिटिंग काफ़ी स्मूथ है, ज़्यादा आपको इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस नहीं देखने को मिलेगा, काफ़ी ईजी है। पावर डायरेक्टर दोस्तों सेम टू सेम इसकी भी एक सॉफ्ट इसका भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप PC के अंदर रन कर सकते हैं, बट वो पेड है और ये फ्री है। तो यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बनाइए, प्रोजेक्ट का नाम दीजिए कुछ भी, और आप यहाँ पे अपने वीडियो का रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं और सीधा ओके पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने कोई भी एक्सपोर्ट करनी है वीडियो जो कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं कैमरा से कर लेता हूँ। और सो इसके अंदर आपको ऐसा टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस है। तो यहाँ पे जल्दी से आप वीडियो को ले आते हैं, तो वीडियो को अगर आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है तो आपको इस वाले बटन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी वीडियो आ चुकी है, बट यहाँ पे आपको नीचे वाटरमार्क देखने को मिलेगा पावर डायरेक्टर का। अगर यहाँ के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको फीचर्स यहाँ इस साइड मिलेंगे, इफेक्ट्स कर सकते हैं यहाँ से आप कोई भी अपने कलर ग्रेडियंट, अगर आपने सुना हो तो यहाँ से आप इसको कलर ग्रेडियंट कर सकते हैं। तो मैं नेगेटिव करता हूँ उसको, और आप देख सकते हैं कुछ अलग ही टाइप की वीडियो चल रही है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आउटलाइंस दिख रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे चलते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं, स्टिकर ऐड कर सकते हैं, एक स्टिकर ऐड कर लेते हैं लाइक का। और यहाँ से आप स्टिकर को एडजस्ट भी कर सकते हैं कि आपको कौन से टाइम से कौन से टाइम तक चाहिए आपको अपना स्टिकर। अगर आपको आखिरी में चाहिए तो आप इसको आखिरी में भी कर सकते हैं। देखिए आपको काफ़ी अच्छी स्टिकर की इमोजी दिखती है, सिंपली इस बटन पर क्लिक कीजिए, सेव प्रोड्यूस वीडियो, उसके बाद यहाँ पे सेव टू गैलरी फुल HD HD या फिर SD। तो फिर मैं SD में करता हूँ अभी। तो यहाँ पे भी आपको नीचे वाटरमार्क देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पावर डायरेक्टर का वाटरमार्क आ रहा है नीचे। अडोबी क्लिप दोस्तों, अडोबी का भी प्रीमियर प्रो मैं खुद यूज़ करता हूँ, और वो भी एक कंप्यूटर का ही सॉफ्टवेयर है, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। ये वाली वीडियो भी जो एडिट हो रही है वो भी इससे हो रही है, अडोबी प्रीमियर प्रो, मगर ऐप से नहीं लैपटॉप के सॉफ्टवेयर से। तो अगर आप साइन अप फॉर फ्री करना चाहते हैं साइन अप फॉर फ्री करिए दोस्तों। साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, उसके बाद आपको जाना है प्लस के ऑप्शन में, और यहाँ पे करना है डिवाइस, और डिवाइस से उसके बाद आपके कुछ क्लिप्स लेगा। तो मैं कैमरा से अपनी एक क्लिप ले लेता हूँ, डन। और उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, ऑटोमेटिक या फिर फ्रीडम। तो दोस्तों इन दोनों ऑप्शंस का मतलब ये है कि अगर आपको एडिटिंग नहीं आती है और आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा काम ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर खुद ही कर दे तो आप ऑटोमेटिक में जाइए, ये आपको एक बेसिक सी वीडियो एडिट करके देगा। बट अगर आपको बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस चाहिए, तो आपको फ्रीडम वाले ऑप्शन पर जाना चाहिए ये वीडियो। और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको सारे के सारे फीचर्स इसके मिल जाएंगे। तो मैं फ्रीडम में जाता हूँ इस टाइम, और यहाँ पे आप इसको क्लिप को अपने ट्रिम कर सकते हैं कुछ इस साइड इस टाइप से। और ऊपर आपको यहाँ पे सारे के सारे फंक्शन मिलते हैं, यहाँ से आप अपना म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से आप कुछ फिल्टर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं
यहाँ पे तो बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं, बहुत सारे फिल्टर्स मिलते हैं, तो ये वाला फिल्टर ऐड कर देते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। और यहाँ से आप एक्सपोजर वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग्स में आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स भी मिल जाती हैं। और अब कर लेते हैं इस वीडियो को रेंडर। तो अगर आपको इस वीडियो को रेंडर करना है तो आपको सिंपली ये वाला बटन दिख रहा है शेयर का, उस पर जाना है, सेव टू गैलरी, 720p, कंटिन्यू, और ये लोडिंग हो रही है। तो इसका भी इंटरफेस काफ़ी इजी है, काफ़ी स्मूथ है, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। जैसे कि भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस टाइप की वीडियो सेव हुई है। बट दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो कि मेरे को ये अच्छी लगी कि यहाँ पे इसने कोई भी हमें वाटर मार्क नहीं छोड़ा है हमारी वीडियो के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट में भी कोई वाटर मार्क नहीं। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी वीडियो एडिटिंग एप्स जिसके मदद से आप अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ मैंने आपको कुछ उन एप्स के बेसिक फीचर्स भी बताए जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी वीडियो को अच्छी तरीके से एडिट करने में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे रेड बटन दे रखा है उस पर क्लिक करके, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर के आने वाले हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।